अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो आपसे रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो कानपुर की फेमस रेसिपी है सीख बोटी। और मेरे कई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी कि मैं सीख बोटी की रेसिपी शेयर करूं आपसे। तो ये सीख बोटी जिस तरह से बनाई जाती है बिल्कुल वही रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके लिए मैंने चूल्हा भी बनाया है, जिस तरह से इन्हें रोस्ट किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से रोस्ट करूँगी मैं। ओवन में नहीं रोस्ट करूँगी क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जो ओवन नहीं यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सीख बोटी का सीक्रेट होता है वो यही है कि आप इसको अच्छे से रोस्ट करिए। तो इस तरह से अगर बोटियों को रोस्ट करेंगे तो भरपूर स्मोकी फ्लेवर आएगा जो ओवन नहीं ला पाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सीख बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बड़े का गोश्त, क्योंकि सीख बोटी जो है वो बड़े के गोश्त में ही बनती है। और आप जब भी सीख बोटी के लिए गोश्त लेने जाएं शॉप पर तो आप बोल दें कि आपको दिल का पीस चाहिए, उसी से सीख बोटी बनती है। तो अक्सर मैं बनाती हूँ घर पर जब भी ये, तो मैं रेशे वाली बोटी से बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ओरिजिनल सीख बोटी की रेसिपी शेयर करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिल का पीस ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए होंगे मसाले, लेकिन उससे पहले मैं टेंडर करूंगी इसको कच्चे पपीते के पल्प से। लेकिन आप यहाँ पर नहीं ऐड करना चाहें तो विनेगर से भी आप टेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबलस्पून धनिया और हरी मिर्च की चटनी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसी जगह पर आप 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड कर सकते हैं अगर आप कच्चा पपीता नहीं ऐड करना चाहते या फिर घर पर नहीं है। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड कर दिया। और अब हम ऐड कर देंगे पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। तो इन मसालों को हम ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो लेमन जूस ऐड कर दें 1 टीस्पून, या फिर 1/2 लेमन बिग साइज़ का। अब मैं 2 चुटकी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर, इससे हमारी सीख बोटी में कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने सभी मसालों को ऐड कर दिया और अब अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अगर आप चाहें यहाँ पर तो सिर्फ नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके भी इसे बना सकते हैं, इतने सारे स्पाइसेस ना ऐड करें। लेकिन जो इस रेसिपी का मूल मंत्र है वो है स्मोकी फ्लेवर, जो हम अंगारों पर सेकेंगे सीख बोटी उससे आएगा। तो अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं, रिफाइन ऑयल, ताकि मसाले अच्छे से कंबाइन हो जाएं और जो बोटी है वो ड्राई ना रहें, बिल्कुल जूसी रहें। तो हमने ऑयल अच्छे से ऐड कर दिया और फिर से मिला लिया सभी चीज़ों को। और अब हम यहाँ पर रख देंगे रेस्ट पे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं या फिर 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख रही हूँ, उसके बाद बनाएंगे हम सीख बोटी। तो ये मेरे ओवन के स्क्यूअर्स हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं बनाऊँगी, मैं इस स्क्रूअर्स में बनाऊँगी, इससे बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं हम अपना मैरिनेशन। तो देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम एक एक बोटी को इसमें अच्छे से सेट कर देंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ताकि अच्छे से सिक जाए। तो हमें सारी स्टिक इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो इसमें कुछ पीसेस फैट वाला भी है, जितना फैट वाला पीसेस होता है उतना ही जूसी होता है, तो इसलिए फैट ज़रूर ऐड करा लें। तो ये देखें सभी स्टिक हमारी तैयार हो गई हैं और हमने अंगारा अच्छे से तैयार कर लिया है और इसके ऊपर हम रख देंगे सारी स्टिक को एक एक करके। तो ये बहुत ही आसान से मैंने चूल्हा बना लिया है, सभी स्टिक को इस तरह से सेट कर लिया है और एक कार्डबोर्ड की हेल्प से मैं इसको हवा कर रही हूँ, क्योंकि दुकानों पर बिल्कुल इसी तरह से बनाई जाती है सीख बोटी। बस मैं भी उसी तरह से बना रही हूँ। और आप अगर ये चूल्हा नहीं बनाना चाहते हैं या फिर आपको चूल्हे से कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी कैसे मैंने ये बनाया। और नहीं भी बनाना चाहते चूल्हे में तो आप इसको प्रेशर कुकर में अच्छे से मसालों में रोस्ट करके
स्टैंडर्ड कर लीजिए। इसमें आपको विनेगर भी नहीं ऐड करना पड़ेगा, ना तो कच्चे पपीते का पल्प ऐड करना पड़ेगा। और जब टेंडर हो जाएगा तो उसके बाद आप किसी भी पैन में अच्छे से रोस्ट कर लीजिए और एक कटोरी पर चारकोल की हेल्प से ऑयल ऐड करके स्मोकी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं आप। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी बनाना चाहें। तो मैं यहाँ पर इनको 10 मिनट तक इसी तरह से टर्न कर करके सिकने दूँगी। तो ये देखिए बूटियों का कलर चेंज होने लगा है। अभी 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट इतना अच्छा कलर आ गया है। तो हम इन्हें इसी तरह से सिकने देंगे। और फिर देखिए 8 मिनट हो गए हैं, 8 मिनट में कितना अच्छा कलर आ गया है। इनको टर्न करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। इसके अलावा जो इसमें मसाले हैं उनका कच्चापन निकल जाए। तो इसी तरह से सिकने दें। तो ये वाली सीख बूटी जो हैं वो अच्छे से हो गई हैं तैयार। इनको हम निकाल लेंगे और जो बाकी की हैं अब उनको सेकने रख देंगे। इन्हें भी हम 10 मिनट अच्छे से सिकने देंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो देखें हमारी सीख बूटी रेडी हो गई है, घर पर ही कितने अच्छे से तैयार हो गई है, बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट से। तो आप भी अपने घर पर बनाएं। देखिए बिल्कुल बाहर जैसी सीख बूटी रेडी हुई है हमारी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।